हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी सभी लंबित भर्तियों को लेकर बात करेंगे और स्टूडेंट के लिए क्या अच्छी खबर है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो देख लेते हैं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री सरकार उत्तर प्रदेश। तो इसका विषय है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने समेत सभी लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने और आयोग को प्राप्त 50,000 पदों के अध्याचन के सापेक्ष तत्काल विज्ञापन जारी करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। आगे कहा गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लचर व गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली से प्रदेश भर के युवाओं की नाराजगी बढ़ रही है। करीब दर्जन भर ऐसी भर्तियां आधार में हैं जिनमें एक दो महीने में ही चयन प्रक्रिया को पूरा कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन आयोग की दिलचस्पी इन भर्तियों को पूरा करने की नहीं है। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी की सभी लंबित भर्तियों के संबंध में और नए भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के संबंध में लाखों युवाओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो ये पत्र लिखा गया है, इसके बाद अब यूपी ट्रिपल एस सी शायद अपना काम करना शुरू कर दे और जिन भर्तियों के रिजल्ट तैयार है वो जारी किए जाए। इसलिए मई जून के महीने में आप सभी स्टूडेंट को अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों का क्या हाल है। यूपी ट्रिपल एस सी से स्टूडेंट बहुत परेशान हो गया है, स्टूडेंट ट्यूटर अभियान करता है, धरना प्रदर्शन करता है, पत्र लिखता है, इतना कुछ होने के बाद भी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन किया नहीं जा सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से स्थिति सही नहीं है, इसलिए स्टूडेंट पत्र के द्वारा पत्र के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।